जी हाँ, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं यूसीसी सम्मेलन समान नागरिक संहिता, जिसे लेकर देश में नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में तमाम दल, तमाम धर्मों के धर्मगुरु अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर जुड़ रही हैं साध्वी रितंबरा। बहुत बहुत स्वागत है दीदी माँ आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अनुच्छेद 370 के खत्म होने, राम मंदिर निर्माण के बाद जो बीजेपी का तीसरा संकल्प था कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, क्या आपको लगता है कि वो घड़ी अब आ गई? निश्चित रूप से इस देश के अंदर इसकी जरूरत को बहुत वर्षों से महसूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार कहा, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक परिवार में सभी सदस्यों के लिए एक समान अगर व्यवस्था नहीं होगी तो भेदभाव के लोग शिकार होंगे जी। और वैमनस्यता चित्त में रहेगी, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि जहां तक पक्ष और विपक्ष आग्रह से हम इसका विरोध करें, ये उचित नहीं है, क्योंकि एक देश है, एक विधान होना ही चाहिए और हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से ये एक सुंदर पहल है देश के लिए। बिल्कुल, ये सुंदर पहल आप बता रही हैं, लेकिन विरोध भी बड़े पैमाने पर साध्वी रितंबरा शुरू हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर आप शरिया लॉ नहीं मानते हैं, अगर आप कुरान के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो फिर आप किस बात के मुसलमान हैं? फिर तो आप इस्लाम से ही बेदखल हो जाएंगे। मतलब बात यहां तक चली गई है, वो इस अंदाज में बयान देते हुए नजर आए। तो विरोध का पैमाना क्या है, इसका आप अंदाजा लगा सकती हैं? कैसे मुमकिन होगा यूसीसी लाना? जब तक सारा मसौदा सामने नहीं आ जाता, मुझे लगता है कि विरोध भी अनर्गल प्रलाप ही है। पहले आप विषय को समझे, उसके बाद पक्ष विपक्ष हो सकता है, और इसके लिए सबको राजी होना होगा। जब सब सामने सब कुछ आ जाएगा, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर हम सब लोगों को, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अगर आपको चुनना हो तो आप संविधान को चुनेंगे। संविधान ने स्वयं इस व्यवस्था को निश्चित किया था कि पूरे भारत के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार होना चाहिए। तो उस दृष्टि से ये जो पहल हो रही है, तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हमारी अपनी धार्मिक धारणाओं की जो भावनाएं होती हैं, वो व्यक्तिगत होती हैं, उसके लिए हम जीवन में उत्कर्ष करते हैं अपने धर्म के मार्ग पर चलकर। लेकिन एक पूरी व्यवस्था, पूरे देश की व्यवस्था, वो एक सामान्य रूप से सबके लिए एक सी होनी चाहिए। अब मैं इसीलिए बहुत कुछ नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि का जो कंटेंट है वो अभी सामने नहीं है। पहले ही पक्ष विपक्ष करना ये उचित नहीं है, इसलिए हर राजनीति नहीं होती है, उससे ऊपर भी विचार करना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानना चाहिए, ऐसा मुझे।